हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, बॉलीवुड रोमांटिक म्यूजिकल फिल्मों में यादगार छाप छोड़ने वाली कभी कभी को 45 साल हो गए। 1976 में आई ये फिल्म बड़े सितारों से सजी थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, राखी, शशि कपूर, ऋषि कपूर और नीतू जैसे स्टार थे। इस फिल्म में सभी की भूमिका की खूब सराहना हुई, पर क्या आपको पता है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के माता पिता ने भी काम किया था। फिल्म के एक सीन में दोनों एक साथ नजर आए थे। बता दें कि इस कल्ट रोमांटिक ड्रामा का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर फिल्म मेकर यशराज ने किया था। अमिताभ की माता तेजी कौर बच्चन और हरिवंश राय बच्चन कभी कभी फिल्म में राखी के माता पिता बने थे। फिल्म में राखी और शशि कपूर की शादी वाले सीन को देखें तो आपको ये समझ में आएगा, दोनों की शादी वाले सीन में वे राखी के माता पिता बनकर बैठे थे। फिल्म में उन्होंने राखी का कन्यादान भी किया था। फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें राखी और अमिताभ काफी अहम रोल में थे। दोनों को कॉलेज के दिनों में प्यार हो जाता है, लेकिन अपने माता पिता के कहने पर वे अलग अलग शादी करते हैं। अमिताभ की शादी फिल्म में वहीदा रहमान से होती है और शशि कपूर की शादी राखी से होती है। फिल्म में अगली पीढ़ी की कहानी आती है, जिसका रोल नीतू और ऋषि कपूर ने प्ले किया है। फिल्म के गाने काफी हिट हुए और आज भी गुनगुनाए जाते हैं।